नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, जो आपका यस बैंक की जो आपकी खस्ता हालत चल रही है इसी से संबंधित है। आपका यस बैंक पर जो संकट छाया हुआ है उसी से संबंधित। तो चलिए इसके सभी पक्षों को हम लोग देखते हैं। यस बैंक भारत का पांचवा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता इस समय संकटग्रस्त है तथा आरबीआई ने मामलों की को गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई के साथ साथ निदान के उपायों पर भी विमर्श कर रही है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने में असमर्थता के कारण लगातार गिरावट से गुजर रही है। बैंक ने हाल के वर्षों में गंभीर शासन मुद्दों और प्रथाओं से उत्पन्न समस्याओं का भी अनुभव किया है, जिससे उसका वित्तीय स्थिर स्वास्थ्य निरंतर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। यस बैंक ने पूंजी जुटाने हेतु प्रयासरत थी, क्योंकि पूंजी अधिक नियामक की शर्त पर बने रहने के साथ साथ बैड लोन्स के प्रभावों की उदासीनता हेतु भी आवश्यक है। यह पिछले वर्ष के अंत से पूंजी में 2 बिलियन डॉलर जुटाने की प्रयास कर रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार यस बैंक की छाया ऋणदाताओं और डेवलपर्स के लिए कुल एक्सपोजर -11.5% थी। यस बैंक पिछले साल से नई पूंजी की मांग कर रहा था, ताकि स्थानीय क्रेडिट बाजार में लंबे समय तक संकट में फंसे छाया बैंकों के संपर्क में रहने के कारण उसके अनुपात और उसकी स्थिरता पर प्रश्न न उठाए जाए, जो सितंबर 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में निवेश चूक की एक श्रृंखला के साथ प्रारंभ हुआ। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यस बैंक ने 600 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया था, जो चालू वित्त वर्ष में 180 करोड़ के नुकसान में बदल गया। तो यस बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि यस बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसे 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से कॉरपोरेट बैंकिंग के रूप में, खुदरा बैंकिंग के रूप में, परिसंपत्ति प्रबंधन के कार्य में संचालित है। यस बैंक लिमिटेड सिंडिकेटेड ऋणों की व्यवस्था के माध्यम से और कॉरपोरेट बैंकिंग के माध्यम से अपने राजस्व का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करता है। यह 3 संस्थाओं के रूप में संचालित होता है, यस बैंक, यस कैपिटल और यस एसेट मैनेजमेंट सर्विस। बैंक की वेबसाइट और प्रसारित जानकारी के अनुसार इनका निम्न कार्य में विभाजन किया जाता है: कॉरपोरेट और संस्थागत बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, वित्तीय विपणन, खुदरा बैंकिंग। बात करते हैं यस बैंक की क्राइसिस के कारण, जो यस बैंक में आपका संकट छाया हुआ है उसके कारण क्या है। बिगड़ती वित्तीय स्थिति। यस बैंक की वित्तीय स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आई है। इसकी वजह से संभावित ऋण घाटे, परिणामी गिरावट को दूर करने में पूंजी जुटाने में असमर्थता, निवेशकों द्वारा ब्रांड बचाव के आह्वान को टिगर करना, जमा को वापस लेना। बैंक पिछली 4 तिमाही में घाटे में था। शासन के मुद्दे। बैंक ने हाल के वर्षों में शासन के गंभीर मुद्दों और प्रक्रियाओं का भी अनुभव किया, जिसके कारण बैंक की लगातार गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, बैंक ने 2018-19 में 3,277 करोड़ रुपए की एनपीए की सूचना प्रदान की, जिसे आरबीआई द्वारा आर गांधी, पूर्व डिप्टी गवर्नर को बैंक के बोर्ड में भेजा गया। बात करते हैं फिर झूठे आश्वासन। रिजर्व बैंक का कहना है कि अपने बैलेंस शीट तरलता को मजबूत करने के तरीके खोजने के लिए बैंक के प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में था। इसमें कहा गया है कि बैंक प्रबंधन ने रिजर्व बैंक को संकेत दिया था कि वह विभिन्न निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है और उनके सफल होने की संभावना है, लेकिन वास्तव में निवेशकों के पास इस बात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था।
बैंक को जीवित रखने, रहने और विकसित होने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है? इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। गैर गंभीर निवेशक। इस साल फरवरी में स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल के अनुसार बैंक पूंजी को संक्रमित करने के उद्देश्य से निजी इक्विटी फर्मों के साथ जुड़ा हुआ था। आरबीआई का कहना है कि इन निवेशकों ने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, लेकिन विभिन्न कारणों से आखिरकार किसी भी पूंजी को प्रभावित नहीं किया। स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि निवेशक बैंक में पूंजी डालने के लिए गंभीर नहीं है। वास्तव में पूंजी का बड़ा आकार से ने नए निवेशकों में संप्रभु उत्तरदायित्व की आवश्यकता प्रदान की तथा उसने निवेश में असमर्थता व्यक्त की। पुनरुद्धार अंतर्दृष्टि की कमी। आरबीआई के अनुसार बैंक बाजार पुनरुद्धार प्रक्रिया सदैव ही बैंकों के लिए नियामकीय पुनर्गठन प्रक्रिया की अपेक्षा वरीयता प्राप्त करती है, परंतु यस बैंक पुनरुद्धार प्रक्रिया को लाभदायक बनाने रखने में असमर्थ रही है। तरलता का वही रोवा है। बैंक तरलता की नियमित वही रोवार का सामना कर रहा था। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता नियंत्रण बैंक से धन निकासी कर रहे थे। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। एक बैंक जमाकर्ताओं का पैसा जमा करके निवेशकों और उधारकर्ताओं को पैसा देकर कमाता है। जैसा कि बताया आपको, आप लोग अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, आप लोग जो जमा करते हैं वो रखते नहीं हैं, वो किसी और को ऋण के रूप में दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी का जमा आया और आप निकाल लेंगे तो आपको दे देते हैं। तो एक बैंक आपके और उस आदमी के बीच मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर इस सामंजस्य में समय अंतराल पैदा होता है तो परिसंपत्तियां देयता की असमंजस स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आईएल एंड एफएस जैसे यस बैंक के उधारकर्ता उस धन को चुकाने में असमर्थ थे जो एसेट लिवासिटी मिसमैच की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। संकट से निदान के लिए सरकार का कदम क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लघु अवधि कार्रवाई। 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने ग्राहकों और जमाकर्ताओं के हित में घोषणा की कि वह यस बैंक के बोर्ड को निलंबित करेगा, उसके संचालन पर 30 दिवसीय स्थगन लागू करेगा। आरबीआई ने अपनी गैर निष्पादित अस्थियों को कवर करने के लिए नई निधि जुटाने में विफल रहने, नई निधि प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास के गलत बयान और उसके गैर निष्पादित अस्थियों के अंडरपार्टिंग अन्य कारकों को इस कार्यवाही हेतु कारण बताया। इस कार्यवाही में उपभोक्ता कुछ असाधारण परिस्थितियों जैसे कि चिकित्सा देखभाल, आपात स्थिति, उच्च शिक्षा, शादियों जैसे समारोहों के लिए अनिवार्य खर्च को छोड़कर अपने खाता से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की सीमा से सीमित हो रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपये निकाल पाएंगे केवल। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि इस मामले को त्वरित रूप से हल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आपकी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ने एक योजना की घोषणा की जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक यस बैंक में 49% हिस्सेदारी लेगा और एक नया बोर्ड पेश करेगा। 6 मार्च 2020 तक पर आईसीआरए ने यस बैंक के डिफॉल्ट के लिए 50,600 करोड़ रुपये के ब्रांड को डाउनग्रेड किया है। इसने कहा है कि यह रेटिंग बैंक पर स्थगन और उसके जमाकर्ताओं को भुगतान पर कैप डाउनग्रेड करती है। यस कार्रवाई भारत के ई कॉमर्स को बेहद स्तर पर प्रभावित करेगी, क्योंकि यस बैंक द्वारा प्रदत्त यूपीआई तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं इससे जुड़ी। यस बैंक की सेवाएं जो अन्य सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की जा रही हैं, उनमें भी समस्याओं की संभावना है। यस बैंक को अधि अधि स्थगन में रखने के साथ डिपो
सीटर्स तथा व्यवसायों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम में कम हुआ। दशकों से भारत में ऐसे बैंक जिसका कुल ऐसे 3.5 लाख करोड़ था का लोपन नहीं हुआ। बात करते हैं समय की मांग क्या है। यह स्थिति कुछ अल्पकालिक चुनौतियों को विस्तृत करती है और कुछ सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अल्पावधि में दो परस्पर संबंधित चुनौतियां, यस बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना और निजी बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखना। जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंक और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन को विकृत किए बिना जल्दी से पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इसलिए नुकसान और संकल्प की लागत निवेशकों पर उचित रूप से लागू होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मसौदा पुनर्गठन योजना में शेयरों के 2 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के साथ कमजोर हो चुकी व्यवस्था के पुनरुद्धार का प्रस्ताव। भारतीय स्टेट बैंक ने 10 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 49% हिस्सेदारी 8 रुपये का प्रीमियम से लेने की उम्मीद है। यदि यस बैंक को प्रभावी ढंग से हल किया जाता है तो यह प्रणाली में कुछ विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा। हालांकि यह प्रकरण अभी भी निजी बैंकों में जोखिम के बारे में धारणा में बदलाव ला सकता है। बैंक ऋण अक्सर स्वपूर्ति की भविष्यवाणियां होती हैं। लोग झूठी धारणा के तहत जमा राशि निकालते हैं जो एक बैंक असुरक्षित है, और बड़ी संख्या में निकासी से स्वस्थ बैंक विफलता का शिकार होते हैं। अफवाह फैलाने वाली इसके लिए स्थिति परिपक्व है। सितंबर 2019 के अंत में यस बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.3% था, जबकि सभी निजी बैंकों का औसत 16.6% था। शेयर बाजार की गतिविधि के अनुसार ऐसा लगता है कि अधिस्तन समस्या के रूप में आया है। चूंकि यस बैंक इतनी तेजी से विफल हो रहा है और भारत एक निरंतर आर्थिक मंदी के दौर में है, इसलिए जमाकर्ताओं के लिए अफवाहों पर विश्वास करना आसान है। बैंक का प्रभाव समाधान दोनों समस्याओं को हल करेगा। बात करते हैं दीर्घकालिक पद्धति। इन अल्पकालिक चुनौतियों से परे और स्थिति में योगदान करने वाले नियामक ढांचे की कमजोरियों के देखते हुए दो सुधार एजेंडे को तत्काल रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। आरबीआई में सुधार और असफल वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए एक तंत्र का निर्माण करना। यह स्पष्ट है कि भारत में बैंकिंग पर्यवेक्षक में सुधार की आवश्यकता है। कई बैंकों के लिए पर्यवेक्षक या तो समस्या की जड़ को खोजने में विफल रहे हैं अथवा इसकी मान्यता में देरी की है। सेप्टेम्बर 2018 के अंत में यस बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सिर्फ 1.6% थी, लेकिन एक साल बाद वे 7.4% बताई गई। बैंकिंग पर्यवेक्षक का सुधार अनिवार्य रूप से आरबीआई का सुधार है। आरबीआई भारत की कुछ सार्वजनिक एजेंसियों में से एक है जिसके लिए समस्या क्षमता में कमी और जवाबदेही की अधिकता है। आरबीआई अधिनियम में और पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान नियम बनाते समय खुली और पारदर्शी परामर्श नियामक के रूप में योजना और प्रदर्शन का वार्षिक विकासन, आदेश और निर्देश जारी करने में कानून का शासन और इसी तरह की जवाबदेही शुरू करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने बोर्ड को एक उचित शासन तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए बोर्ड का पुनर्गठन, उसके सदस्यों को प्रोफाइल को बदलना और बोर्ड की समिति प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जबकि आरबीआई इस तरह के सुधारों का विरोध करता है। आरबीआई बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बोझिल भी है। सरकार को आरबीआई की जिम्मेदारियों को कम करना चाहिए। सभी प्रतिभूतियों के विनिमय को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को स्थानांतरित करना चाहिए। ऋण प्रबंधन को एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन एजेंसी से दूर किया जाना चाहिए और आरबीआई द्वारा संचालित बुनियादी ढांचा प्रणालियों को कॉरपोरेट किया जाना चाहिए। भारत की वित्तीय नियामक संरचना में असफल वित्तीय फर्मों के साथ के समाधान के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता एक आदर्श कड़ी है। इस वजह से यस बैंक जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं है।
अधिकांशतः G20 देशों में असफल वित्तीय फर्मों को हल करने के लिए विशेष क्षमताओं का निर्माण किया है। ऐसा तंत्र विफलता की पहचान में देरी के लिए नियामक की प्रवृत्ति पर एक जांच रख सकता है, जिससे त्वरित और व्यवस्थित समाधान सुनिश्चित होता है। भारत में सुधार को 2018 में राजनीतिक महत्वाकांक्षा द्वारा विफल कर दिया गया था, जब वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक को वापस ले लिया गया था। केंद्र को कानून का संशोधन संस्करण लाना चाहिए और इसमें कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति डालनी चाहिए। आगे का रास्ता क्या है? आखिर यह भारत में आर्थिक मंदी का समय है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभाती हैं और इनका एक दूसरे पर प्रभाव निर्भर था, इसलिए जमाकर्ताओं के हितों के लिए वित्तीय संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए आगे कदम बढ़ाए। जैसा कि आपको पता होगा, बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, ठीक है, इसलिए बैंकों का सही रहना अच्छी बात है। तो चलिए, ये था आपकी जो बैंक यस बैंक पर संकट छाया हुआ है उसी से संबंधित, ठीक है, आर्टिकल।